तो गाइज कैसे हो आप सब लोग। मैं आपके लिए एक और एक बढ़िया स्टॉक लेके आया हूँ जिसमें मैंने अभी इन्वेस्ट किया है। वो स्टॉक है क्लीन साइंस का। तो कैसे आप जीरो स्टॉप लॉस के साथ, मेरा अभी इसमें पोजीशन चालू है क्लीन साइंस में, आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा अभी इसमें। ये जो स्टॉक है ये क्लीन साइंस का है, अभी वीकली टाइम फ्रेम चालू है इसके ऊपर। तो मैं अभी आपको इसका जो अभी कैंडल पैटर्न है, मैं अभी इसको लाइन चार्ट में अभी दिखाऊंगा उसको। अगर देखेंगे तो एक बढ़िया सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था इधर ही। थोड़ा ये लाइन को हम डिलीट करते हैं। तो क्या होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, तो हम इसको एक ट्रेंड लाइन मारेंगे अभी। एक अच्छा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था वीकली चार्ट में, आप देख सकते हैं। अच्छा सा अगर ये देखा जाए तो इधर ये देखिए, सॉरी देखिए, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी अच्छा सा बनाया था और ब्रेकआउट भी दिया है। तो अभी इसमें हम कैंडल चार्ट में जाएंगे और देखेंगे क्या हुआ है। आप देख सकते हैं, जो अच्छा सा प्राइस एक्शन जानते हैं वो पता कर सकते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या हुआ है। तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ है कि ये जो ट्रेंड लाइन है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, ये ब्रेकआउट दिया एक कैंडल ने, और उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल है उसने रिटेस्ट भी किया है। तो रिटेस्ट करने के बाद ये चार्ट मेरे को दिखा, और ये कैंडल आप उसके बाद का कैंडल अगर देखेंगे, ये जो रेड कैंडल बना है एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना था। और मंडे को मैं जब मार्केट ओपन हुआ तब सीधा मार्केट प्राइस पे ही बाई किया, यानी 1756 को ही बाई किया था। ऑर्डर मार्केट ऑर्डर में ही बाई किया मैं, क्योंकि मेरा मैक्सिमम चांस था कि अभी इधर से ही ऊपर जाएगा। जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये फ्लैट ओपन होना चाहिए था। जब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है तब नेक्स्ट कैंडल हमेशा गैप अप ओपन होना चाहिए या फिर फ्लैट ओपन होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है तो भी अच्छी बात है, फ्लैट ओपन होता है तो भी अच्छी बात है, तब जाके वो अच्छा सा मूव दे सकता है। और मंडे को भी वैसा हुआ जैसा मैं प्रेडिक्ट किया था, वैसा ही इधर ही ओपन हुआ मार्केट। तो मैं मार्केट ऑर्डर में ही ऑर्डर लगा दिया था इधर। अगर ये गैप डाउन खुलता, ये प्राइस से गैप डाउन खुलता तो मैं बाइंग के लिए नहीं जाता था, लेकिन मेरे हिसाब से ओपन हो रहा था तो मैंने इधर ही बाई किया। तो मेरा स्टॉप लॉस भी जीरो हो गया। अभी मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता हूँ, एक अच्छा सा गेन भी मिल सकता है। वैसे भी आप इसमें अभी देख सकते हैं ये वीकली चार्ट ही है, तो अच्छा सा मूव देने के लिए भी रेडी है अभी इधर से। अगर डे टाइम में देखेंगे, डे टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था बड़ा, और वॉल्यूम भी देखिए उसके बाद बड़े बड़े वॉल्यूम बाहर आ गए। इसके बाद ये देखिए वॉल्यूम, तो अच्छे वॉल्यूम का सपोर्ट भी ऊपर जाने के लिए उसको, तो मैक्सिमम टारगेट भी अपना अचीव इसमें हो सकता है। तो मैं अब मेरा पोजिशन दिखाऊँगा इसमें अभी। तो इसमें आप क्लीन साइंस में मेरा पोजीशन आप देख सकते हैं, जो कि 1756 पे ही बाई किया था, 10 क्वांटिटी बाई किया था, 10% 9% ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफिट चालू है इसमें। तो मेरा ये अभी जीरो स्टॉप लॉस हो गया है इसमें, तो मैक्सिमम टाइम में इसको अभी होल्ड कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर मंथली चार्ट भी अगर देखा जाए तो ये देखिए कितना बढ़िया सा पैटर्न बना है और कितना बढ़िया मूव भी दे रहा है अभी। तो मैक्सिमम अपना व्यू रहेगा कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए या फिर ये टारगेट के लिए जा सकते हैं हम। 2500 का टारगेट के लिए हम जा सकते हैं अगले 1-2 महीने के लिए। तो और भी इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जब ये लेवल या ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो गया
तो ये लेवल के ऊपर और भी मैं पोजीशन ऐड करूँगा उसके अंदर। अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियो और अच्छे अगर स्टॉक की अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।